राधे राधे। मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकाशी व्रत पारण के समय सुनी जाने वाली तुलसी जी की कथा। बंधुओं, द्वादशी तिथि के दिन जब भी आप एकाशी व्रत का पारण करते हैं तो तुलसी जी की इस कथा को अवश्य सुने, तभी आपको एकाशी व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनें। सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माता जरूर लिखें। बोलो तुलसी माता की जय हो। हमने आपके मुख से तुलसी के पत्र और पुष्प का शुभ महात्म सुना, जो भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। अब हम आपसे तुलसी की पुण्यमय कथा को सुनना चाहते हैं। व्यास जी बोले, ब्राह्मणों, पहले स्कंद पुराण में मैं जो कुछ बतला आया हूँ वही यहाँ भी कहता हूँ। शतानंद मुनि के शिष्य कठोर व्रत का पालन करने वाले थे। उन सब ने एक दिन अपने गुरु को प्रणाम करके परम पुण्य और हित की बात पूछी। शिष्यों ने कहा, नाथ, ब्रह्म वेताओं में श्रेष्ठ आपने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से तुलसी जी के जिस कथा का श्रवण किया था उसको हम सब सुनना चाहते हैं। शतानंद जी बोले, शिष्यगण, तुलसी जी का नाम उच्चारण करने पर ही असुरों का दर्प दलन करने वाले भगवान श्री विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं, मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, उन्हें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, जिसके दर्शन मात्र से करोड़ों गोदान का फल प्राप्त होता है, उस तुलसी का पूजन और वंदन लोग क्यों ना करें। कलयुग में संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जिनके घर में शाल ग्राम शिला का पूजन संपन्न करने के लिए प्रतिदिन तुलसी का वृक्ष भूतल पर लहलहाता रहता है। जो कलयुग में भगवान श्री केशव की पूजा के लिए पृथ्वी पर तुलसी का वृक्ष लगाते हैं, उन पर यदि यमराज अपने किंकरों सहित रुष्ट हो जाए तो भी वे उनका क्या कर सकते हैं। तुलसी, तुम अमृत से उत्पन्न हुई हो और केशव को सदैव ही प्रिय हो। कल्याणी, मैं भगवान की पूजा के लिए तुम्हारे पत्तों को चुनता हूँ, तुम मेरे लिए वरदायिनी बनो। तुम्हारे श्री अंगों से उत्पन्न होने वाले पत्रों और मंजरियों द्वारा मैं सदा ही जिस प्रकार श्री हरि का पूजन कर सकूं वैसा उपाय करो। पवित्र अंगी तुलसी, तुम कलिमल का नाश करने वाली हो। इस भाव के मंत्रों से जो तुलसी दलों को चुनकर उनसे भगवान वासुदेव का पूजन करता है उसकी पूजा का करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। देवेश्वरी, बड़े बड़े देवता भी तुम्हारे प्रभाव का गायन करते हैं। मुनि, सिद्ध, गंधर्व, पाताल निवासी, साक्षात नागराज, शेष संपूर्ण देवता भी तुम्हारे प्रभाव को नहीं जानते, केवल भगवान विष्णु ही तुम्हारी महिमा को पूर्ण रूप से जानते हैं। जिस समय क्षीर समुद्र के मंथन का उद्योग प्रारंभ हुआ था उस समय श्री विष्णु के आनंद अंश से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ था। पूर्व काल में श्री हरि ने तुम्हें अपने मस्तक पर धारण किया। देवी, उस समय श्री विष्णु के शरीर का संपर्क पाकर तुम परम पवित्र हो गई। तुलसी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। तुम्हारे श्री अंग से उत्पन्न पत्रों द्वारा जिस प्रकार श्री हरि की पूजा कर सकूं ऐसी कृपा करो जिससे मैं निर्विघ्नता पूर्वक परम गति को प्राप्त हूँ। साक्षात श्री कृष्ण ने तुम्हें गोमती तट पर लगाया और बढ़ाया था। वृंदावन में विचरते समय उन्होंने संपूर्ण जगत और गोपियों के हित के लिए तुलसी का सेवन किया। जगत प्रिया तुलसी,
पूर्व काल में वशिष्ठ जी के कथन अनुसार श्री रामचंद्र जी ने राक्षसों का वध करने के उद्देश्य से सरयू के तट पर तुम्हें लगाया था। तुलसी देवी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। श्री रामचंद्र जी से वियोग हो जाने पर अशोक वाटिका में रहते हुए जनक किशोरी सीता ने तुम्हारा ही ध्यान किया था, जिससे उन्हें पुनः अपने प्रियतम का समागम प्राप्त हुआ। पूर्व काल में हिमालय पर्वत पर भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी ने तुम्हें लगाया और अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए तुम्हारा सेवन किया। तुलसी देवी, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। संपूर्ण देवंगनाओं और किन्नरों ने भी दुःस्वप्न का नाश करने के लिए नंदन वन में तुम्हारा सेवन किया था। देवी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। धर्म अरण्य गया में साक्षात पितरों ने तुलसी का सेवन किया। दंडक अरण्य में भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने हित साधन की इच्छा से परम पवित्र तुलसी का वृक्ष लगाया। लक्ष्मण और सीता ने भी बड़ी भक्ति के साथ परम पवित्र तुलसी का वृक्ष लगाया। लक्ष्मण और सीता ने भी बड़ी भक्ति के साथ उसे पोसा। जिस प्रकार शास्त्रों में गंगा जी को त्रिभुवन व्यापिनी कहा गया है, उसी प्रकार तुलसी देवी भी संपूर्ण चराचर जगत में दृष्टि गोचर होती है। तुलसी का ग्रहण करके मनुष्य पातकों से मुक्त हो जाता है। और तो और, मुनीश्वरों तुलसी के सेवन से ब्रह्म हत्या भी दूर हो जाती है। तुलसी के पत्ते से टपकता हुआ जल जो अपने सिर पर धारण करता है, उसे गंगा स्नान और 10 गोदान का फल प्राप्त होता है। देवी, मुझ पर प्रसन्न हो वो। देवेश्वरी, हरि प्रिय, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। क्षीर सागर के मंथन से प्रकट हुई तुलसी देवी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। द्वादशी की रात्रि में जागरण करके जो इस तुलसी माँ की कथा को सुनता है, भगवान श्री विष्णु उसके 32 अपराध क्षमा कर देते हैं। बाल्य अवस्था, कुमार अवस्था, जवानी और बुढ़ापे में जितने पाप किए जाते हैं, वे सब तुलसी स्तोत्र के पाठ से नष्ट हो जाते हैं। तुलसी के स्तोत्र से संतुष्ट होकर भगवान सुख और अभ्युदय प्रदान करते हैं। जिस घर में तुलसी जी की इस कथा को सुना जाता है, पढ़ा जाता है, उसका कभी अशुभ नहीं होता, उसका सब मंगल ही होता है, किंचित भी अमंगल नहीं होता। उसके लिए सदा सुकाल बना रहता है, वह घर प्रचुर धन धान्य से भरा रहता है। तुलसी जी की इस कथा को सुनने से मनुष्य के हृदय में भगवान विष्णु के प्रति अविचल भक्ति होती है, उसका वैष्णवों से कभी वियोग नहीं होता। इतना ही नहीं, उसकी बुद्धि कभी अधर्म में प्रवृत्त नहीं होती। जो द्वादशी की रात्रि में जागरण करके तुलसी जी की इस कथा का पाठ करता है, उसे करोड़ों तीर्थों के सेवन का फल प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।